जल बनाया नहीं जाता, सिर्फ बचाया जा सकता है। भूजल स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। देश में आधुनिकीकरण और नई नई तकनीकों के बीच बड़े बड़े शहरों में रहन सहन का एक नया तरीका रूप लेता जा रहा है। जिस तरीके से पहले छोटे छोटे मोहल्ले हुआ करते थे, उनकी जगह अब बड़े शहरों में सोसाइटी ने ले ली है, जहां सोसाइटी के सभी घरों में एक सिंगल पॉइंट से पानी की सप्लाई होती है और इन घरों के वेस्ट वाटर और वर्षा जल की निकासी सोसाइटी से एक ही नाली द्वारा की जाती है। ऐसे में आवश्यकता है गेटेड सोसाइटी में उपलब्ध वर्षा जल के संचयन एवं संवर्धन की, जिसके लिए जल शक्ति मंत्रालय पेश कर रहा है एक कारगर एवं आसान तरीका। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल पुनर्भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं। इस विधि से हम वर्षा के जल को जमीन से नीचे ले जाकर इकट्ठा करते हैं और इसका संचयन कर पुनः उपयोग में ला सकते हैं। वर्षा जल संचयन के कई तरीके हैं, तो आइए समझते हैं रिचार्ज पिट के द्वारा वर्षा जल संचयन किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है औसतन वर्षा जल का निर्धारण करना। सबसे पहले ये समझना होगा कि कितना जल उपलब्ध है। एक RWA में तीन तरह के क्षेत्र होते हैं जहां से वर्षा जल का प्रवाह होता है। पहला मकानों की छत, दूसरा सोसाइटी की सड़कें और तीसरा सोसाइटी की हरित पट्टी। गेटेड सोसाइटी में वर्षा ऋतु में जल संचयन के लिए कुल उपलब्ध जल का निर्धारण निम्न विधि से करते हैं। छत का क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर में गुने मानसून की कुल वर्षा मिलीमीटर में गुने 0.85 डिवाइडेड बाय 1000। फिर सड़क का क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर में गुने मानसून की कुल वर्षा मिलीमीटर में गुने 0.65 डिवाइडेड बाय 1000। और तीसरा हरित पट्टी का क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर में गुने मानसून की कुल वर्षा मिलीमीटर में गुने 0.15 डिवाइडेड बाय 1000। उपरोक्त विधि से कुल प्राप्त जल का संचयन करने के लिए हमें कारगर प्रणाली की आवश्यकता होगी। इस जल संचयन प्रणाली की माप का यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्धारण वर्षा ऋतु में हुई एक दिन में हुई कुल वर्षा के अनुसार करते हैं। वर्षा जल संचयन के लिए उपलब्ध जल का निर्धारण निम्न तरीके से करते हैं। मानसून में हुई कुल वर्षा एवं कुल वर्षा के दिन, इनका आपस में भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वही एक दिन में अधिकतम वर्षा का निर्धारण करती है। उदाहरण के तौर पर यदि 40 दिन में कुल वर्षा 800 मिलीमीटर हुई तो उपरोक्त विधि के अनुसार 800 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि 20 मिलीमीटर अधिकतम एक दिन की वर्षा होगी। यानी 20 मिलीमीटर वर्षा के लिए ही किसी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की माप का निर्धारण होता है। रिचार्ज पिट सामान्यतः 5 से 7 मीटर लंबी, 2 से 3 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी होती है, अथवा बलुई स्ट्रेटा की उपलब्धता के अनुसार निर्मित की जाती है। इस संरचना में बोल्डर 20 से 50 मिलीमीटर, बजरी अथवा गिट्टी 10 से 20 मिलीमीटर और मोटी बालू या मोरंग 1.5 से 2 मिलीमीटर की परतों से ग्रेडेड फॉर्म में भरा जाता है। इन तीनों लेयर में से हर लेयर की मोटाई 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोल्डर तली पर, बजरी बीच में व मोटी बालू सबसे ऊपर भरी जाती है ताकि रन ऑफ के साथ आने वाली रेत, मोटी बालू अथवा मिट्टी की परत ऊपर जमा हो जाए, जिसे बाद में आसानी से इकट्ठा कर हटाया जा सके। जल के प्रवाह को ले जाने वाली नाली के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उचित दूरी पर डीसिल्टिंग चेंबर बना हो, जिसमें वर्षा जल के साथ आने वाले महीन कण, पत्ते और खरपतवार रोकी जा सकें। साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह है
कि यदि भूजल स्तर मानसून के बाद 10 मीटर या उससे भी अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में इस पिट में एक 4 से 6 इंच व्यास के रिचार्ज बोरहोल की व्यवस्था करते हैं। इस रिचार्ज पिट का निचला हिस्सा कच्चा ही रहने देते हैं। सामान्यतः 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र की सोसाइटी हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ऐसी एक रिचार्ज पिट पर्याप्त है, किंतु सोसाइटी का क्षेत्रफल बड़ा होने पर एक से ज्यादा रिचार्ज पिट का निर्माण किया जाना चाहिए। कितना उपयोगी और कारगर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का ये आसान तरीका, तो आइए हम सब मिलकर जल प्रहरी बने और देश को बनाएं जल संपन्न।